नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी लड़की, चल जा। हाँ हाँ, मैं भी कोई सर्कस का जोकर बनना नहीं चाहती हूँ। एक बार सुन, तेरा ये चेहरा ना शायद भगवान ने मेरे दोस्त के जैसे इसीलिए बनाया ताकि तू किसी मासूम का इंसाफ दिला सके। अगर तू नहीं करना चाहती है तो जा सकती है। सॉरी निक्की, मुझसे नहीं हुआ, मैं तेरी सपना पूरा नहीं कर पाई, मैं हार गई। सुनो प्लीज, उस टाइम के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम बहुत गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पक्का मेरे साथ रहोगी? थैंक यू सो मच। भैया वो निकी सिलीगुड़ी से बाहर जा रही है, हमें आज ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सब कुछ से हाथ धो बैठेंगे। देखो ये लोग फिर से तुम्हें माने इंटर बना रहे, पता नहीं सब कुछ तो इन लोगों का नाम ऑलरेडी हो गया है, अब वापस कैसे ले। सुनो तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? अब वो लोगों के सामने मैं जाऊंगी और अब से मेरा गेम स्टार्ट होगा। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे मारने के लिए जा रहे थे? देखो मैं तुम दोनों के सामने एक सच्चाई लेके आई हूँ, मैं तुम दोनों की दीदी निक्की नहीं हूँ, मुझे तो दीपा लेके आई है। और मुझे अच्छे से पता है प्रॉपर्टी अभी तक तुम दोनों के नाम पे नहीं हुआ है, और ये बात दीपा को भी पता है, इसीलिए वो मुझे लेके आई है और मेरे थ्रू वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है। इसीलिए वो भिखारी मेरी दीदी के साथ घूमती थी। हाँ, और अगर तुम लोग चाहते हो कि प्रॉपर्टी दीपा के नाम पे ना हो तो तुम दोनों मेरे साथ शामिल हो जाओ, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी, सारे प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम पे हो जाएगा, उसके बाद मुझे थोड़ा प्रॉपर्टी दे देना, क्या मंजूर है? भैया चलिए इसके साथ शामिल हो जाते, उसमें हमारा ही फायदा है। ठीक है तो मैं जल्दी से पेपर रेडी करती हूँ जिसमें सिर्फ तुम दोनों का साइन और मेरा साइन होगा, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों का और उसमें से थोड़ा प्रॉपर्टी मेरा भी होगा, उसके बाद तो मैं अमीर हो जाऊंगी। चलती हूँ फिर। बहन इसको लगता है हम लोग प्रॉपर्टी में से इसको थोड़ा बहुत हिस्सा देंगे, एक बार काम तो हो जाने दो, उसके बाद इसको भी ठिकाना लगा देंगे। ये लो फाइल और इसमें जल्दी से साइन कर दो। कुछ तो कह लेते हैं लेकिन कुछ भी सुना नहीं है, बोलती ही रहती है आंखें, कहना है जो हो गया। अब तुम जा सकती हो, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता ही था कि तुम दोनों ऐसा ही कुछ करोगे, अच्छे से पेपर चेक कर लो। भैया ये क्या बोल रही है, जल्दी से पेपर चेक कीजिए।
पता चल गया प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। पर वैसे भी तुम जैसे घटिया इंसान के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है, गरीबों के लिए है, अनाथ आश्रम का है। छोड़ दो उसे, एक को मार के तुम लोग का मन नहीं भरा, अब दूसरे को मार रहे हो। कितना बेहद बेशरम हो तुम लोग, थोड़ा सा भी हमदर्दी है तुम लोगों में। उस बार तो छोड़ दिया था मैंने, लेकिन आज आज नहीं छोड़ूंगी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस आते ही होंगे सरना जेल में। हे प्रभु, इसकी शक्ल तो वो मेरे जैसे मिलती है, मेरी कार्बन कॉपी। लेकिन कुछ भी सुना नहीं है, ये जिंदा है, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये मर गया। ये तो ये, हाँ मैंने इसको मरा हुआ बताया था ताकि इसके दुश्मनों को इसका खबर ना लगे कि ये जिंदा है और दोबारा इसे मारने न जाए और इसे इंसाफ मिले। उस दिन जब ये दोनों ने मिलके इसको मार के फेंक दिया था। उसके बाद मैंने इसको अपने घर में रख के इसको इलाज करवाई ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए और इसको इंसाफ मिले। मैं बहुत लकी हूँ, भगवान ने तुम्हारी जैसे शक्ल दी मुझे, आज इसीलिए मुझे नेक काम करने का मौका मिला। ये लो तुम्हारी अमानत। मैं अब चलती हूँ, आज से मेरा काम खत्म हुआ। सुनो, तुम्हारे हिस्सा तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हिस्सा ना सही, लेकिन क्या तुम मेरी बहन बनोगी? क्योंकि मेरा कोई बहन नहीं है। बहन? लेकिन, अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आज से तुम मेरी बहन हो और मुझे लगता है तुमसे अच्छे बहन कोई बनी नहीं सकती है। चलो।